लोगों को भी ऐसे ही कुछ ला दिया जाएगा, बच्चे उठा लिया जाएगा घर से। पीड़ित लड़की की चाची का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया, जेल से उसके चाचा को लाया गया था, परिवार के तमाम लोग इकट्ठा थे। क्या बात हुई उनसे बात करते हैं, ये बताइए जब आपके चाचा यहाँ पर आए तो क्या बातचीत हुई आपकी? सर हमारी यही बातचीत हुई है कि हमको न्याय मिले और हम अब ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ हम एक एक को मार दिया जाएगा, यहाँ पे हम लोग सेफ नहीं हैं और यही हमारे चाचा ने बोला है कि अब हम यहाँ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हमको या तो न्याय चाहिए, हमको निकाला जाए या तो जो हमारा मुकदमा सारा करा। जेल से उनको लाया गया और क्या प्रशासन ने उनके कोई दबाव बनाने की कोशिश की, कोई चीज़ समझाई गई उनको? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो यहाँ की प्रशासन ने दबाव नहीं बनाया। अच्छा, पुलिस ने जो FIR दर्ज की CBI ने, उसमें एक अरुण सिंह का भी नाम है जो भाजपा नेता के रिश्तेदार बताए जाते हैं, वो अरुण सिंह कौन है, उन्होंने क्या किया था? धमकी देते थे, बताओ। नहीं, पहले भी इनका नाम था लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई थी, अभी नाम है, BJP नेता के एक रिश्तेदार हैं, वो कौन है, क्या उनका रोल था? वो इनके कोई रिश्तेदार हैं और धमकी देने भी आते थे मेरे घर। अच्छा, और क्या उनसे कभी कोई फोन किया सामने घर पे आया, क्या करते थे, किस तरह धमकी देते थे, क्या कहते थे? यही करते थे, अपना केस वापस ले लो नहीं सबको मार दूंगा मैं। लोग हैं जो दहशत में हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको न्याय मिलेगा क्योंकि एक एक करके परिवार के लोग मार दिए गए। इनका आरोप है कि लगातार उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें, इस तरह की वारदातें होती रहीं और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, इसीलिए अब वो अपनी लड़ाई भी यहाँ नहीं लड़ना चाहते, वो चाहते हैं मामला यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए जिससे कि किसी तरीके से उनको न्याय मिल सके। उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार वालों की चिट्ठी कई जगह दबाए जाने के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट में बाहर निकली। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अब गुरुवार को यानी कल सुनवाई होने वाली है। क्या किन बातों मुद्दों पर बात होगी, इस बारे में हम बात कर रहे हैं रेप पीड़िता के वकील डी रामकृष्ण रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। रेड्डी साहब, आपने ट्रांसफ़र पिटीशन लगाया हुआ था, वो कब से पेंडिंग है और अब इसमें कितनी उम्मीद लगती है? ये ट्रांसफ़र पिटीशन जो है, चार केसेस अब लखनऊ में CBI कोर्ट में है, वो चार ट्रांसफर केसेस जो है लखनऊ से दिल्ली को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ट्रांसफ़र पिटीशन दाखिला किया था जनवरी में, वो अप्रैल में सुनवाई के लिए आए बॉबडे बेंच और नज़ीर साहब के बेंच में, वो नोटिस इशू हुआ, बीच में दो महीना छुट्टी था और मंडे रजिस्ट्रार के सामने आया, नोटिस CBI के ऊपर सर्व हुआ, बाकी चार लोगों के ऊपर सर्व नहीं हुआ, इसीलिए मंडे जो है रजिस्ट्रार ने हमको दस्ती नोटिस लेके उसको जो अनसर्व रेस्पॉन्डेंट्स है उसको सर्व करने के लिए किया। संडे ये हादसा हुआ, ये बीच में जो है 12 तारीख 13 तारीख जो है विक्टिम का मदर, विक्टिम और चाची जो है उन्हें अप्रिहेंडिंग डेंजर जो हम पिटिशन में जो पेश किया है, हम जाने में लखनऊ में जाने में आने में दिक्कत है, हमको कुछ भी हो सकता है, यही हुआ था संडे। इससे पहले वो दो खत लिखा था 12 तारीख को 13 तारीख को, हम जाने में दिक्कत हो रहा है, हमको प्रोटेक्शन दे दीजिए बोल के, ऐसा ऐसा थ्रेटनिंग आ रहा है फैमिली मेम्बर से, अक्यूज थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सेटल कर लो, पुलिस दबाव है, ये बताते हुए ये दो खत लिखा था, मगर रजिस्ट्री ने उसके सामने पेश नहीं किया, मीडिया ने रिपोर्ट किया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, ऐसे दो चिट्ठी आए थे मगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यानी 30 से ज़्यादा खत जो वहाँ से रवाना हुए लेकिन कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं, ये मीडिया के हाथ लगे और मीडिया ने इन खतों का उजागर किया, उसके बाद चीफ जस्टिस ने कॉग्निजेंस लिया है और ये भी पता चलेगा कि आखिर जो सर्विस करने की बात थी, जो मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आगे सुनवाई कैसे बढ़ेगी। तीन तलाक पे तमाम विपक्षी दलों के सांसद नदारद थे जिससे सरकार को मदद मिली तीन तलाक पारित कराने के लिए। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बोला कि एक तरीके से बिल्कुल धोखा दिया है, चाहे वो BSP हो, समाजवादी पार्टी हो, NCP हो, बड़े बड़े नेता शरद पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल नजर नहीं आए सदन में। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। सर, कई जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने आप को मुसलमानों की हितैषी कहती है, चार सांसद उसके मौजूद नहीं थे। अगर आप TRS की बात करें, TRS आपकी सहयोगी है, उसने एब्सटेन करा। सुनिए, मेरी कोई सहयोगी नहीं है जी। NCP कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ी, मैं TRS साथ नहीं लड़ा इलेक्शन, और कांग्रेस व्हिप जारी नहीं करती, कांग्रेस के साथ सांसद नहीं आते, उनके अलाई जो साथ इलेक्शन लड़े
पावर में थे वो एनसीपी के दो लोग नहीं आते। बीएसपी बुलंगबांग दावे मुसलमानों के ताल्लुक से वो गायब, तो ये तो देश देख रहा है ना। तो यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साफ दो टूक कहते हुए कि बात और दावे मुसलमानों के हित के किए जाते हैं, पर जब उन पर अमल करने के लिए आता है तो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों का जो हित है वो उनको याद आ जाता है। लंबे इंतजार के बाद कल राज्यसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पारित हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय गोयल के घर पर, जहां तमाम मुस्लिम महिलाएं पहुंची हैं जश्न मनाने के लिए, क्योंकि ये बेहद खुश हैं कि फाइनली राज्यसभा में जहां हर बार ट्रिपल तलाक का बिल अटक जाता था, वहां से भी अब ये बिल 99 वोटों के साथ पारित हो गया है। आप बताइए कितने लंबे समय से आप इंतज़ार कर रही थी इस बिल के पास। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सुनने में आ रहा था कि इंतज़ार इसका बिल पास होगा और हुआ भी पाया था, फिर बीच में खबर आई कि अभी नहीं हुआ, पर आज सुनने में आया कि बिल पास हो गया। इस खुशी में हम गोयल जी के घर आए हुए और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी आई। आप लोगों को कितनी दिक्कत होती थी, अब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया तो किस तरह का बदलाव आएगा आपके जीवन? बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, ये औरतों के लिए एक सबसे पहले तो आप औरत डर के नहीं रहेगी। एक आदमी से डर रहता था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो या हमें छोड़ ना दे, ये तीन तलाक बोल के चला ना जाए तो हम घर में किससे गएंगे। कि बिल पारित होने के बाद किस तरह का लोगों को फ़ायदा होगा, तस्वीरों में एक बार आपको यहाँ पर दिखा देते हैं विजय गोयल के घर पर। जिस तरीके से हमने बताया कि हम इस वक्त मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे और तमाम मुस्लिम महिलाएँ यहाँ आई हैं जश्न मनाने के लिए, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए कि फाइनली राज्यसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पारित कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ट्रिपल तलाक देने पर अब एक पुरुष को जेल की सज़ा होगी और इसी बात की खुशी को मनाने के लिए आज यहां पर ये तमाम मुस्लिम महिलाएं जो मोदी सरकार का शुक्रिया करने के लिए पहुंची हैं और ये कह रही हैं कि अब हमें डर डर के और नहीं जीना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से लगभग पिछले दो घंटों से चंडीगढ़ की ईडी यूनिट पूछताछ कर रही है। नज़ारा आप देख सकते हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है। ईडी का ये कार्यालय है और बताया जा रहा है कि 2001 से 2011 के बीच में जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान थे, उस समय तकरीबन 211 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और उस घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने भी जाँच की थी और अब ईडी उसी मामले में पूछताछ कर रही है। खास बात यह भी है कि उसी दौरान फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और भारी अनियमितताओं का आरोप लगा था क्रिकेट एसोसिएशन में। उसी मामले में जो है आज ईडी चंडीगढ़ में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन लखनऊ में राजभवन के बाहर हो रहा है और अब्दुल्ला आजम जिनकी की हिरासत जिन्हें हिरासत में लिया है रामपुर पुलिस ने, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस ने बकायदा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें यहां भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई और नेताओं के साथ ये तमाम कार्यकर्ता और नेता राजभवन के गेट पर धरना देने पहुंचे और लगातार आजम खान और अब्दुल्ला आजम के समर्थन में उन्हें रिहा करने और रामपुर पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये लोग पहुंचे हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा इन्हें हटाने के लिए और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बकायदा अपने हिरासत वाली जो वैन होती है उसमें इन कार्यकर्ताओं को ले जाना शुरू किया है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका आरोप है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को एमसीडी के मैनिफेस्टो में किया गया वादा याद दिलाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद सिविक सेंटर में धरने पर बैठे और यहां पर आप नजर डालेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों ही एमसीडी के जो पार्षद हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और ये इनकी तमाम जो वादे किए थे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, खास तौर पे सफाई कर्मचारियों को लेकर और एमसीडी के तमाम दूसरे कर्मचारियों को लेकर, उन वादों को ये याद दिला रहे हैं यहाँ पर। और तमाम जो एमसीडी के ये सभी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं और आज मेन गेट पर ही ये लोग धरने पर बैठ गए हैं तमाम वादों को याद दिलाने के लिए। अब जरा इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या इनके मांगे और ये हो। सुरजीत जी, आज ये धरना देने की क्यों नौबत आई आपकी?
नौबत यह आई है कि इन्होंने जो सफाई कर्मचारियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनके विश्वास के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, हर बार इन्होंने के साथ कोई ना कोई धोखा करके इनको गुमराह किया जाता है और गुमराह करके इनको बेवकूफ बनाया जाता है। आज तक केवल इनके साथ धोखा हुआ है। 2015 में दीपक अस्थी ने इनसे वादा किया था, जब ये लोग हड़ताल पे बैठे थे, दीपक अस्थी ने इनसे वादा किया कि मैं एक महीने के अंदर आप लोगों को पक्का करूंगा और 2012 तक के सभी लोगों को पक्का करूंगा, लेकिन उनका एक माह गुजर गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने तो ये दावा किया है कि जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता है तब तक इनके धरना प्रदर्शन और विरोध लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में हैप्पीनेस क्लासेस को एक साल पूरा हो गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, एक साल पूरा हो गया हैप्पीनेस क्लासेस को, किस तरीके से देखते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि हैप्पीनेस क्लास को अब एक साल पूरा हो गया और आज हम जब हैप्पीनेस क्लास के एक साल पूरे होने के मौके पर यहाँ बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आके कहा कि इसकी ज़रूरत हमारे जुडिशियल एकेडमी में भी है और वहाँ भी हम हैप्पीनेस क्लासेस जजेस के लिए, फ्यूचर जजेस के लिए लगाना चाहते हैं, तो ये और खुशी की बात है। मनीष जी, दूसरी सवाल ये है कि हैप्पीनेस जैसा ही पूरा माहौल था, एलजी भी तारीफ कर रहे हैं, आप लोग भी तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे क्या माना जाए कि दिल्ली का जो राजनीतिक मिजाज है उसमें भी हैप्पीनेस फिजाओं में है? पूरे देश का बदल जाए सबसे अच्छा रहेगा। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहते हुए कि हैप्पीनेस क्लासेस जो हैं वो पॉजिटिविटी दिल्ली में फैला रही हैं और निश्चित तौर पर जो विपक्ष और तमाम जो दल, दूसरे दल जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, उनको पलट कर जवाब देते हुए कि हम लोग पॉजिटिव राजनीति। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सभी प्रमुख नदियों में इस वक्त जबरदस्त जल स्तर बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम भोपाल के पास विदिशा रायसेन हाईवे पर मौजूद हैं और ये वो सड़क है जो अब बेतवा नदी के रौद्र रूप की वजह से फिलहाल बंद है। हम जिस पुल के किनारे पे इस वक्त खड़े हैं, वो पुल सामने सीधे पग्नेश्वर गाँव से होता हुआ रायसेन की तरफ जाता है ये पूरा रास्ता, लेकिन उस पुल पे आप देखिए क्या तस्वीरें हैं। पुल के दूसरे छोर पे मौजूद जो मंदिर है बेतवा नदी के किनारे बना हुआ, वो तकरीबन 8 से 9 फीट डूबा हुआ है। मंगलवार तक ये मंदिर दिख रहा था पूरी तरीके से, लोग वहां तक जा रहे थे पूजा करने, लेकिन 24 घंटे में जल स्तर में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है बेतवा नदी की कि ये मंदिर अब तकरीबन 8 से 9 फीट तक जो है वो पानी में समा चुका है। और ये हाईवे जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है यातायात के लिए, क्योंकि जल स्तर बहुत तेज है, तेजी से बढ़ा है और बहाव जो है नदी का वो बहुत ज्यादा तेज है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं तो नदी का ये रूप देख करके सहम रहे हैं। अब वो दूसरा जो रास्ता है यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर एक दूसरी पुलिया है जो ऊंची है और जो चालू है, फिलहाल वहां से पग्नेश्वर गाँव की तरफ जा रहे हैं। और मौसम जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है, जो सिस्टम मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, उसके चलते अभी बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं है और इसीलिए मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के एक फैशन डिजाइनर की जान बाल बाल बची जब वो एक कार से अपने काम के लिए निकली थी, तब कहीं से एक रॉड आकर ठीक उनकी गाड़ी को आर पार निकल जाता है। उन्हीं फैशन डिजाइनर से हम बात करेंगे, हमारे साथ रिंकू जैन जी मौजूद है। मैम, क्या हुआ था, आप कहां से कहां जा रही थी जब ये हादसा हुआ? मैं कल एक्चुअली गोरेगांव से टाउन की तरफ जा रही थी, कुछ मेरा फैशन से रिलेटेड काफ़ी अर्जेंट काम था जो मुझे कल ही जाना बहुत ज़रूरी था। हैवी रेन की वजह से मैंने थोड़ा कोशिश किया कि मैं कैंसिल करूं, पर मैं चली और मेरी बाइक रुक, मेरी कार ख़राब थी तो मुझे उबेर बुक करनी पड़ी और हैवी लगेज की वजह से मुझे आगे की सीट पर बैठना पड़ा और मैं आगे की सीट पर बैठी थी, पीछे मेरा लगेज था और मेरे साथ मेरी नीस राशि थी। हम दोनों जा रहे थे गोरेगांव से जोगेश्वरी की तरफ, जब हम जा रहे थे तो सीआरपी ग्राउंड के एग्जैक्ट सामने इन मूविंग कार, वही टाइम पे मेरे हस्बैंड का कॉल चालू था कि तू निकल गई है। हम बात ही कर रहे थे, इन कार पे बात करते करते मेरा हाथ डैशबोर्ड पे है, मैं बात कर रही हूँ और वो रोड मुझे इतना पार कर गया, मेरे नाक से चीर के वो रोड पूरा आर पार ऊपर हवा से आया और पूरा चीर करके चला गया। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई क्या हुआ, वो टाइम पे मैं एकदम शॉक थी। बहुत ही ज़्यादा क्लोज आपसे वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक मिली सेकेंड की बात करूँगी कि बस मैं बच गई। वो मूविंग कार थी, अगर ड्राइवर की स्पीड हल्की भी एक भी ज़्यादा होती तो वो मुझे आर पार कर सकती। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ पर मंगलवार की रात तेज बारिश की वजह कर करीब 4 फीट का स्लैब गिर गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो स्लैब है जो मंगलवार रात करीब 10:30 से 11:15 बजे करीब अचानक गिर गया। जो जानकारी मिल पा रही उसके मुताबिक तेज बारिश की वजह कर वहाँ पर लीकेज हो रहा था, उसके बाद अचानक से गिर गया।
राहत की बात है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त यहाँ पर कोई भी यात्री मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जो एयरपोर्ट के यहाँ पर लोग हैं वो इस पूरी जगह को बैरिकेड कर दिए गए हैं और जो भी मलबा गिरा था उसे हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगर इस तरह की जो घटना होती है तो बाकी जगह क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़ा करता है यहाँ की सुरक्षा को लेकर और यहाँ जिस तरह बनाया गया है उसे लेकर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शख्स बहुत तेज गाड़ी चल रही है, उसके पीछे खड़े होकर स्केटिंग कर रहा है, यानी जो कार का सहारा लेकर वो स्केटिंग कर रहा है और उसके पीछे कार है जो ये पूरा वीडियो शूट कर रही है। ये जो पूरा वाक्य हुआ है दिल्ली के सराय काले खां के पास ही हुआ है, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं, इसी रोड पर ये फिल्माया गया है अक्षरधाम के पास। और ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी देर तक ये 45 सेकंड के आसपास का वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि ये जो लड़का है स्केटिंग कर रहा है और गाड़ी का सहारा लेकर काफ़ी दूर तक स्केटिंग करते हुए नज़र आ रहा है। बेहद खतरनाक ये वीडियो है। एक तीसरा शख्स है इसके पीछे दूसरी गाड़ी में चलकर इसका वीडियो बना रहा है, ऐसी जो है वो चीज़ नज़र आ रही है। बहरहाल अब इसको डेंजरस ड्राइविंग ही कहेंगे और ऐसे में पुलिस ने इसमें मामला जो है वो जांच कर रही है इस पूरे मामले की कि वीडियो जो है वो एग्जैक्टली कहाँ शूट हुआ है, ये शख्स कौन है, किस टाइम का ये वीडियो है, CCTV आसपास जो लगे वो स्कैन करने की कोशिश की जा रही है ताकि पता चल सके कि रात के वक्त ये कितने बजे यहाँ से गुजरे हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ निकल कर सामने, क्योंकि कांवड़ का काफ़ी रश था तो ऐसा तो नहीं कि कोई जो है उस वक्त ये वीडियो शूट हुआ हो, क्योंकि सोमवार देर रात को काफ़ी ज़्यादा रश था जब लोग कांवड़ जो है वो लेकर वापस आ रहे थे। तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो दिल्ली पुलिस की नज़र में और इसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दिल्ली से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के दादरी में हैं इस वक्त हम लोग। पाकिस्तानी मोहल्ला इस गली का नाम है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं इस नाम से। क्या नाम है साहब आपका? गजेंद्र आना जी। ये आपने जो आधार कार्ड लिखा हुआ है इसमें पाकिस्तानी वाली गली लिखा हुआ है, क्या दिक्कत हो रही है साहब इससे? ये पाकिस्तानी वाली गली बहुत लफ्जी अच्छा नहीं है, अब जो मोहल्ला है गौतमपुरी के नाम से चल रहा है वो नहीं है, बार बार ये पाकिस्तानी लिख देते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये पाकिस्तानी कटकनी है गौतमपुरी के नाम से हमारा हो, ये बहुत दूर तक फैलता पाकिस्तानी ये कौन सी गली है। हमें भी बहुत वो होता है, लोग बात सोचते हैं कहाँ से मुसलमान हो आप, क्या है सब चीज़ की होते, पूरे हिंदू हम यहाँ के रहे, यहीं की पैदाश, हमारे बड़े बूढ़े थे 1947 में हुआ था ये दंगा, उसके बड़े बूढ़े आए थे हमारे दादी दादा, जब इसे ये पाकिस्तानी वाली गली कर रहा था। साहब आप लोग भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण जी आपको भी परेशानी है पाकिस्तानी गली, आपको भी परेशान करता है नाम? नहीं जी, हमें जो पाकिस्तानी नाम जो बुरा लगता है हमें भी। हाँ जी, चाहते हैं यहाँ बदल जाए? हाँ जी, ये चाहते हैं कि ये बदल जाए। क्या समस्या होती है जब आप किसी को बताते हैं? समस्या तो सबको ये यहाँ की स्थिति, छोटी सी गली है, 70-80 के करीब घर हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, पाकिस्तानी गली नाम बदलवाना चाहते हैं।